सो मेरे भाइयों आज हम बात करने वाले हैं BSNL फाइबर के बारे में। सो मेरे भाई अगर आप BSNL फाइबर का कनेक्शन ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को देखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं BSNL फाइबर के बारे में कि आप देख के चौंक जाओगे। और मेरा एक साल का एक्सपीरियंस भी है भाई, पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सो अगर आपने BSNL फाइबर लिया भी हुआ है तब भी ये वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई मैं आपको बहुत सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखना। तो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे भाइयों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे को BSNL फाइबर का जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हुए हो चुके हैं लगभग एक साल हो चुका है। मैंने 2022 में दिसंबर के महीने में लगवाया था, लगभग नया साल 2023 चढ़ने ही वाला था, तो अब क्या हो गया 2024 चढ़ने वाला है। दिसंबर का मंथ चल रहा है, लगभग मेरे को एक साल हो चुका है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊंगा कि BSNL फाइबर अच्छा चॉइस है या अच्छी चॉइस नहीं है। तो सबसे पहले मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं रहता हूं जलंधर पंजाब में, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताता हूं तो ये मेरी लोकेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आप ये मत समझना कि मेरे यहाँ पे भी वैसा ही चल रहा है जैसा मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ पे अच्छा भी हो सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता है। सो भाई BSNL फाइबर की अगर मैं बात करूँ, जब मैंने लगवाया ही था 2023 चढ़ गया था, ठीक है, दिसंबर में 2022 में लगवाया था, तो तब मैंने लगवाया था तो इतना कुछ खास भाई अच्छा नहीं था BSNL फाइबर। सो अपलोड स्पीड काफ़ी कम आती थी, डाउनलोड स्पीड अच्छी आती थी, अपलोड स्पीड बुरी आती थी, पिंग बहुत ज़्यादा आती थी, और भाई लाइव स्ट्रीमिंग करने में भी मेरे को काफ़ी दिक्कत आती थी, बफरिंग वगैरह बहुत होती थी। सो भाई मैंने एक मंथ तक तो बहुत ही तकलीफ झेली, मतलब कि इनका जो कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी, तो मैंने काफ़ी कंप्लेन भी अपने लोकल वेंडर को, इनके मेन दफ्तर में मैंने कॉल भी की, अपने मतलब जो मेन हब है उस पर भी कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर करवाई थी, बट इन्होंने कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला। तो मेरे पास ऑलरेडी नेट प्लस ब्रॉडबैंड कनेक्शन था, तो मैं क्या कर रहा था, मैं उससे काम चला रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2-3 महीने के बाद जो है मैं जो नेट प्लस से अपना काम कर रहा था, ठीक है, तो वो क्या हो गया, नेट प्लस फिर मेरे को क्या हो गया, प्रॉब्लम देने लगा, उसमें बफरिंग की इशू आने लगी, अपलोडिंग में मतलब लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आने लगी। तो क्या हुआ, फिर मेरे पास BSNL तो मैंने लगवाया ही था, ठीक है, तो फिर मैं BSNL के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो मैंने क्या देखा, 2-3 महीने के बाद तो इनकी अपलोड स्पीड में काफ़ी सुधार आया और लाइव स्ट्रीमिंग में बफरिंग आना भी बंद हो गया। पहले क्या होता था, बफरिंग आती थी, बार बार वीडियो रुकती थी, लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहा हूँ। और भाई आप भी सोच रहे होंगे कि मेरे पास नेट प्लस अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन था तो मैंने BSNL फाइबर क्यों लिया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सो अगर आप पंजाब में रहते हो तो भाई आप भी BSNL फाइबर लेना पसंद करोगे। तो इसमें इसके दो फायदे हैं, दो फायदे क्या हैं कि एक तो भाई इसका जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो मतलब कंपनी अब नहीं ले रही है, सिर्फ आपको क्या देना पड़ेगा, इनके वायर के चार्जेस देने पड़ेंगे। बट जब मैंने लगवाया था भाई तब कोई वायर के चार्जेस वगैरह नहीं थे, मैंने सिर्फ इनको 3 मंथ का इकट्ठा बिल दे दिया था और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मैंने की थी, ठीक है, तो मैंने कोई भी चार्जेस नहीं दिए थे वायर के। बट अब क्या सिचुएशन है, अब ऐसा है कि आपको वायर के चार्जेस देने पड़ते हैं और आपको 3 मंथ का कोई बिल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप 1 मंथ का बिल सिर्फ आपको चुकाना पड़ेगा, वो भी आप किसी वेंडर को नहीं दोगे, ऑनलाइन ही आपके मैसेज के ऊपर, आपकी ईमेल के ऊपर आपको बिल जनरेट करके दे दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, फिर ही आपको बिल देना है। और उस बिल से पहले आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है ₹530 कुछ, ठीक है, और उसके बाद जब मंथ पूरा हो जाता है तो आपको बिल देना पड़ेगा जो भी आपने प्लान लिया होगा। और मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आपको वायर के भी चार्जेस देने पड़ेंगे, सिर्फ आपका वायर का चार्जेस है, राउटर के भी पैसे नहीं लगेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लगेंगे। बट भाई जो
जो राउटर है वो सिंगल बैंड वाला आपको देखने को मिलेगा अगर आप फ्री लेना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को ड्यूल बैंड चाहिए तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि 1200-1300 रुपए आपको देने पड़ सकते हैं ड्यूल बैंड राउटर के। सो एक मेरे भाई बोल रहे थे कि वो एयरटेल यूज कर रहे हैं, वो जियो यूज कर रहे हैं, मतलब कि उनका जो 499 वाला प्लान है उसमें 40 Mbps स्पीड मिलती है हमें एयरटेल में ब्रॉडबैंड में। तो पहले क्या था कि BSNL में भी 499 में 40 Mbps की स्पीड मिलती थी जो कि मैं भी प्लान यूज़ कर रहा था, बट इन्होंने अभी पंजाब में ऐसा कर दिया है कि 499 वाले प्लान को 495 बना दिया है और स्पीड भी ये डबल दे रहे हैं, कहने का मतलब 100 Mbps स्पीड अभी देखने को मिल रही है। तो कई भाइयों ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि मैं एयरटेल से मतलब कि शिफ्ट हो जाऊंगा BSNL में तो मेरे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो भाई मैं अगर अपनी लोकेशन की बात करूं तो मेरे यहाँ पे काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त चल रहा है भाई, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जब तक कि 2-3 महीने को छोड़ के पहले साल के मतलब 2023 के 2-3 महीने को छोड़ दूं तो बाकी BSNL फाइबर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप मतलब पंजाब के रहने वाले हो ठीक है, क्योंकि ये 495 मतलब के जो प्लान है 100 Mbps स्पीड है आपको सिर्फ पंजाब में देखने को अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है BSNL फाइबर में। सो अगर आप भाई 495 वाला प्लान लोगे 100 Mbps की स्पीड लोगे तो आप ये बात का ध्यान रखना कि आप जब भी इंस्टॉलेशन करवाओगे तो आपको ड्यूल बैंड राउटर ही लेना होगा। अगर आप ड्यूल बैंड राउटर नहीं लोगे तो आपको 100 Mbps की स्पीड पूरी नहीं मिलेगी। देखो मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा क्योंकि भाई वाकई में अच्छा चल रहा है तब मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आपको BSNL फाइबर ले लेना चाहिए, बट इसमें ये चक्कर पड़ता है कि ये प्रीपेड नहीं होता, ये पोस्टपेड होता है ठीक है। आप पहले यूज़ करो इंटरनेट को, फिर बाद में एक मंथ बाद आपको बिल देना पड़ता है। प्रीपेड में ऐसा नहीं होता, पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है फिर आप इनकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप फेसबुक चलाते हो मतलब कि यूट्यूब वगैरह मतलब कि इंटरनेट सर्फिंग करते हो तो भाई जूम मीटिंग वगैरह भी करते हो भाई आपके लिए काफ़ी अच्छा है BSNL फाइबर। बट अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो उनके लिए भाई अच्छा है, लाइव स्ट्रीमिंग मैं पर्सनली करता हूं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है BSNL फाइबर। बट हाँ गेमिंग में थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट अभी के टाइम में भाई पिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, बट पहले की बात करूँ तो 20-25-30 करके पिंग आती थी। बट भाई मैंने 2-4 दिन से नोटिस किया है कि इनकी पिंग बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, मैंने 8 तक की देखी है, 9, 10, 11, 12 ठीक है, इतनी पिंग मैंने कभी BSNL फाइबर में देखी नहीं, बट अभी मेरे को देखने को मिल रही है। तो मेरे भाई जाते जाते आपको बोनस टिप्स एक बता के जाता हूं कि अगर आप BSNL फाइबर लेने वाले हो तो मेरे भाई आप UBCOM वाला राउटर जरूर लेना ड्यूल बैंड वाला। सो मैंने क्या किया था, पहले मैंने सैरोटेक का ले लिया था, सैरोटेक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो अच्छा चलता है, बट उसमें थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम है। मैंने ये देखा कि मैंने पहले सैरोटेक का यूज़ किया था, फिर मैंने अपने वेंडर को बोला नहीं भाई मेरे को UBCOM चाहिए, तो उन्होंने मेरे को UBCOM लगवा दिया था ठीक है। तो UBCOM में मैंने ऐसा देखा कि जिस कमरे में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे दूर मतलब 10 मीटर की दूरी पे वाईफाई राउटर लगा है, तो सैरोटेक में मैंने देखा कि रेंज मतलब 5 GHz वाले में कम आती थी, बट UBCOM वाले में 5 GHz वाले में ज़्यादा सिग्नल आते हैं और स्पीड भी मेरे को ज़्यादा देखने को मिलती है। स्पीड में तो भाई ऑब्वियसली अंतर आपको देखने को मिलेगा, अगर सिग्नल अच्छे होंगे तो स्पीड भी अच्छी देखने को मिलेगी, अगर सिग्नल कम आएंगे वाईफाई के तो भाई स्पीड भी आपको कम देखने को मिलेगी। और मेरे भाई जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ना तो डाउनलोड स्पीड ना अपलोड स्पीड दोनों में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आती है। और भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने पहले नेट प्लस यूज़ किया है, तो नेट प्लस का क्या होता था, सर्वर वगैरह बहुत डाउन होता था, कभी आधी रात को बंद हो जाता था 2-3-4 बजे के बीच में, कभी कभी दिन में 2-2 घंटे बंद हो जाता, कभी घंटा घंटा बंद हो जाता है ना, सर्वर डाउन, तार वगैरह नहीं टूटी, बट मैंने ये BSNL फाइबर में ऐसा कभी देखा नहीं है कि सर्वर डाउन हो गया, मतलब कोई सिस्टम में अपडेट चल रही है। बट भाई इस दिसंबर में मैंने एक दिन में सिर्फ देखा था, सिर्फ उन्होंने एक दो घंटे के लिए ही बंद किया था, बट ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि इनका सर्वर डाउन है, मतलब पीछे कोई अपडेट कर रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ऐसी दिक्कत मेरे को BSNL फाइबर में देखने को नहीं मिली। मतलब कि कहने का मतलब कि अगर आप 30 दिन के पैसे दे रहे हो तो 29 दिन ये BSNL फाइबर चलता ही चलता है। हाँ
खुदा ना खास्ता कि आपकी पीछे से वायर ना कट हो। अगर वायर कट होगी तो हमारे यहाँ पे एरिया में बंदा भाई काफ़ी फास्ट है, वो जल्दी आ जाता है क्योंकि वो लोकल मतलब के नियर अबाउट ही हमारे यहाँ पे रहता है, तो जल्दी से अगर वायर कट होती है तो लगाने भी आ जाता है। काफ़ी क्विक सर्विस है BSNL फाइबर की। सो मेरे भाई ये इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल में आपको बता दी है। अगर भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कुछ भी पूछना चाहते हो BSNL फाइबर ब्रॉडबैंड के रिलेटेड तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, और ये भी कमेंट में बताना कि 2024 में कौन कौन भाई BSNL फाइबर लेना चाहता है, और नहीं भी लेना चाहता तो क्यों नहीं लेना चाहता ये भी मेरे को कमेंट में बता सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो टेक पत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।